खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते भारत, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूँ आदर्श झा। नमस्ते भारत, मैं हूँ आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। देखिए, सुबह सुबह जो आप चाय पीते हैं ना, वो चाय अब महंगी हो गई है। जी हाँ, मदर डेयरी ने 3 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर दामों में इजाफा किया है। तो चाय अब महंगी है आदर्श जी। बिल्कुल, केवल चाय नहीं ज्योति, चाय के साथ साथ दूध से जुड़ा हुआ हर सामान, जो दूध से हर प्रोडक्ट जो बनता है, अब सब कुछ महंगा हो जाएगा। मदर डेयरी और अमूल ने दोनों ने ही दूध के दाम बढ़ा दिए है और उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। मदर डेयरी ने जहां प्रति लीटर 3 रुपए का इजाफा किया है, वहीं अमूल ने अपने ब्रांड्स पर 2 रुपए तक दाम बढ़ाए। ये तो बहुत गलत हो रहा है। 2-3 रुपए कम होते हैं क्या? अब दूध कम ही करना पड़ेगा। जो आपके लिए जरूरी है वही आज महंगा है। पेट्रोल 1 साल में सबसे महंगा हो चुका है, तो प्याज 4 महीने से जनता के आंसू निकाल रहा है, और अब दूध भी आपके किचन का बजट बिगाड़ रहा है। दूध उत्पादक देश की 2 बड़ी कंपनियों ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी का दूध 3 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया है, तो अमूल का दूध 2 रुपए महंगा हो गया है। मदर डेयरी के मुताबिक महंगे चारे, खराब मौसम और मानसून में देरी की वजह से कई राज्यों में दूध की उपलब्धता में कमी आई है, जिसकी वजह से दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। मदर डेयरी का ये भी कहना है कि आम तौर पर जाड़े के मौसम में दूध की कीमतें घटती हैं, लेकिन इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले कुछ महीनों में दूध उत्पादकों को प्रति लीटर भुगतान में करीब 6 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी दूध उत्पादकों को पिछले साल की तुलना में करीब 20% ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। वजह चाहे जो हो, लेकिन ये तो सही है कि पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए एक और जरूरी चीज महंगी हो गई है। स्टूडेंट है हम, बाहर से आए, थोड़ा तो प्रॉब्लम हो गई। बढ़ोतरी से देखिए लॉस तो हमारा है, बर्डन हमारी फैमिली के ऊपर, हमारे फाइनेंशियल उसमें पड़ता है, बट देखिए डेली नेसेसिटी है, दूध लेना ही हमें पड़ेगा। बच्चों के लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी घर में जरूरी है, तो हम छोड़ तो नहीं सकते, और क्वांटिटी भी हम कम करने का नहीं सोच सकते हैं। तो ऑल ओवर ये है कि यूज तो करना ही है, बर्डन भी झेलना ही पड़ेगा। बहुत जल्दी जल्दी रेट बढ़ रहे हैं इसके दूध के, इससे क्या है बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारी किचन का जो बजट है बिल्कुल बिगड़ जाएगा, उसमें बच्चों के लिए दूध के लिए कटौती करनी पड़ेगी। मदर डेयरी और अमूल ने दूध के दामों में 2 साल में 3 बार बढ़ोतरी की है। मार्च 2017 में मदर डेयरी ने 3 रुपए तो अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाए। मई 2019 में मदर डेयरी ने 1 रुपया प्रति लीटर दाम बढ़ाया तो अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर, और अब मदर डेयरी ने 3 रुपए तो अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए, यानी कि 2 साल में दूध के दाम 6 से 7 रुपए तक बढ़ गए हैं। सिर्फ दूध ही महंगा नहीं होगा, दूध से बनने वाली चीजों के महंगी होने का खतरा होगा। चाय, मिठाई, दही, पनीर, लस्सी, छाछ जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो देखिए, दूध के दाम बढ़ गए हैं तो मतलब दूध से बनी जितनी चीजें हैं वो अब आपको पहले से ज्यादा महंगे दामों में मिलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि मदर डेयरी ने और अमूल ने कितने रुपए दामों में इजाफा किया है आपके सामने। देखिए, टोकन मिल्क जो आप पहले खरीदते थे मदर डेयरी का, वो 40 रुपए में खरीदते थे, जो अब आपको उसके लिए चुकाने पड़ेंगे 42 रुपए। टोकन मिल्क प्रति लीटर पहले 53 रुपए और अब 55 रुपए प्रति लीटर में आपको मिलेगा, और फुल क्रीम दूध 27 रुपए आधा लीटर, लेकिन फुल क्रीम के दाम 1 रुपए बढ़े हैं, 28 रुपए आधा लीटर ये दाम बता रहे हैं। फुल क्रीम प्रीमियम जो आधा लीटर है वो 29 रुपए से 30 रुपए का अब हो गया है मदर डेयरी का, और टोन्ड मिल्क 42 रुपए प्रति लीटर से 45 रुपए प्रति लीटर, यानी कि सीधे तौर पर 3 रुपए का इजाफा। टोन्ड मिल्क आधा लीटर 22 से 23 रुपए हो गया है, ये आधे लीटर के दाम है। जी ज्योति, ये तो हुई मदर डेयरी की बात। अब अमूल का जो ब्रांड है, अमूल ने कैसे दाम बढ़ाए वो भी एक बार अपने दर्शकों को बता देते। देखिए, अमूल गोल्ड जो दूध है, जो 53 रुपए लीटर आप खरीदते थे, अब उसके लिए आपको 2 रुपए ज्यादा, यानी कि 55 रुपए देने होंगे। 2 रुपए अमूल ने अपने अलग अलग ब्रांड्स पर बढ़ाए हैं। और अमूल गोल्ड आधा लीटर का पैकेट जो आप 27 रुपए का लेते थे, उसके लिए अब आपको 28 रुपए खर्च करने होंगे, यानी कि आपकी जेब पर सीधा बोझ बढ़ा है। और अमूल ताजा 42 रुपए लीटर पहले मिलता था, अब 44 रुपए देने होंगे, 2 रुपए ज्यादा। अमूल ताजा आधा लीटर अगर आप लेते हैं तो 21 रुपए देते थे आप, और अब आपको 22 रुपए, यानी कि आज से आपको 22 रुपए देने होंगे उसके लिए।
तो दूध के दाम दोनों ही ब्रांड्स ने बढ़ाए हैं, और अब जब दूध के दाम बढ़ गए हैं तो उसके साथ साथ जो दूध से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके दाम भी बढ़ेंगे। ज्योति, बिल्कुल, महंगाई की मार से जूझती जनता को एक और झटका लगा है। देश भर में आज से दूध के दामों में 3 रुपए और अमूल के दामों में 2 रुपए का इजाफा हो गया है। मुंबई के बांद्रा में सुबह सुबह लोग जो खरीदने आए, उन लोगों ने बढ़े दामों पर क्या कहा है, देखिए। महंगाई की मार एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर पड़ने वाली है, क्योंकि आज से जो बिकने वाला दूध है जो आप अपने घर में लाते हैं, खास तौर पर अमूल दूध, वो महंगा होने वाला है। इस समय हम एक दुकान में मौजूद हैं जहां पर कुछ अमूल दूध के पैकेट उपलब्ध हैं और ग्राहक यहां से अमूल दूध खरीदते हैं। ये जो ट्रे में आप दूध देख रहे हैं वो अमूल गाय का दूध है जो 48 रुपये प्रति लीटर होने वाला है। इससे पहले अगर जो हम बात करें तो ये 46 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा था, लेकिन 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है दूध के पैकेट्स को लेकर। हमारे साथ में कुछ ग्राहक हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, सुबह सुबह आप दूध लेने आई हैं, 2 रुपये प्रति लीटर जो है अमूल दूध वो बढ़ा है, कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? बहुत फ़र्क पड़ेगा जी। वही तो, ग्राहक भी टूट जाएंगे हमारे पास। एक तो इधर बाजू में डिमांड है, उसके लिए हमारे ग्राहक पहले से ही बहुत टूट गए हैं और अभी ज़्यादा ही टूट जाएंगे। अभी इतने भाव है तो ग्राहक भी नहीं लेने वाले ना दूध, फिर हमारा नुकसान होगा ना। मतलब दिन में एक आम आदमी के घर की शुरुआत दूध से ही होती है, खरीदारी से, चाय उससे बनती है, हर चीज़ उससे बनाई जाती है आमतौर पर। तो बैलेंस जो घर का है, बजट का, वो कितना बिगड़ेगा? बहुत बिगड़ जाएगा। 2 रुपए बोले तो महीने के कितने हो गए, 60 रुपए हो गए महीने के। अभी लोग 2-2, 3-3 लीटर जो दूध लेके जाते हैं उनका तो बहुत ये होगा। 50 रुपए तो उन लोग के ज़्यादा ही जाएंगे, 50 के 100 रुपए जाएंगे ज़्यादा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विष्णु है। विष्णु जी, मुझे बताइए कि अब कितना फर्क पड़ेगा ग्राहकों की जेब पर और खास तौर पे आपकी दुकान पर? दोनों पे असर पड़ेगा जी, क्योंकि दुकान पे भी सेल कम होएगा और कस्टमर भी जिग-जिग करेगा, क्योंकि हर 6 महीने में लोग भाव बढ़ाते हैं जी। तो इससे तो कस्टमर की जेब भी कटेगी और दुकानदार को भी नुकसान ही है, धंधा उनका भी डाउन होएगा। क्या शिकायतें होती हैं ग्राहकों की आमतौर पर? आमतौर पर यही MRP का ही ज़्यादा रहता है। हर 6 महीने में 2-2 रुपया बढ़ाएंगे आप दूध का, तो फिर कैसे दूध पिएंगे लोग। ज्योति, देखिए, जो बढ़ोतरी हुई ना, इसका सीधा असर दुकानदारों पर भी पड़ना है और ग्राहकों पर भी पड़ना है और दूसरे दुकानदारों पर भी पड़ना है। देखिए, दिल्ली के मिंटो रोड पर एक चाय की दुकान है, बहुत सालों से वो चाय की दुकान चल रही है और जो दुकान चला रहे हैं राजू, 2015 से उन्होंने अपने चाय के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाए थे, लेकिन अब जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद उनका भी कहना है कि दाम बढ़ाने के लिए वो भी मजबूर हैं। और उनसे बात की हमारे संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने, सुनिए बातचीत। दूध उत्पादक कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने आज से दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मिंटो रोड की मशहूर राजू की दुकान पर है, जहां सुबह सुबह ही लोग चाय पीने आए हैं। अमूल ने अपनी दूध की कीमतें 2 रुपए तक, तो मदर डेयरी ने अपने अलग अलग उत्पादों पर 3 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इस वक्त राजू की दुकान पर हमें, जहाँ हम राजू से ही बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनका कितना खर्च बढ़ने जा रहा है। राजू, कितना दूध आप एक दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं? दूध लगता है 70-80 लीटर दूध लग जाता है। 70-80 लीटर दूध आप इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आज से अमूल और मदर डेयरी का दूध महंगा हो गया, 2 और 3 रुपए महंगा। रोज का मुझे फालतू देने पड़ेगा, रोज का 300 रुपये, 250-300 रुपये फालतू देने पड़ेगा। अभी आपकी चाय की कीमत कितनी है और क्या बढ़ने जा रही है? 5 साल की जो रेट है वही रेट है, 12 रुपये की था वही रेट अभी तक चल रहा है। उसके बाद रेट दो बार बढ़ गया दूध की, वही रेट चल रहा मेरे पास अभी। तो 3 रुपए तक दूध महंगा हो गया, तो क्या चाय की देखेंगे, हम बढ़ाएंगे। 3 रुपए तक अमूल और मदर डेयरी का दूध महंगा हो गया, घर पर भी आप इस्तेमाल करते होंगे, क्या कहना चाहेंगे कि कुछ इस पर कंट्रोल होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, गरीबों पर बहुत असर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, हर दिन चाय पीने आते हैं आप? हाँ। अब चाय महंगी हो जाएगी बोल रहे हैं कि सोचेंगे अब इस पर, दूध महंगा हो गया है, गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ, निकालना चाहिए, असर कम पड़ेगा, फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हेल्थ वगैरह पे भी असर नहीं पड़ेगा, महंगा हो जाएगा तो लोग कम लेंगे। जिस तरीके से अमूल और मदर डेयरी के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उन्हें विचार करना पड़ सकता है कि क्या चाय की कीमतें बढ़ाई जाएं या नहीं। मेरे सहयोगी दीपक चौधरी के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, ABP News, दिल्ली।
देखिए आदर्श, प्याज और टमाटर के बाद अब दूध के दामों में इजाफा, यानी कि दूध की महंगाई। अब जो लोग हैं वो अपने घरों का बजट भी ठीक करने में लगे हैं। जो 5 लीटर दूध लेते हैं वो अब 4 लीटर दूध ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं दामों में तो इजाफा लगातार हो रहा है लेकिन इनकम उनकी बढ़ नहीं रही है। दिल्ली के आश्रम इलाके में मौजूद हमारे संवाददाता मदीहा खान ने कुछ ऐसे ही लोगों से बात की है। जनता को एक और महंगाई का झटका लगा है। जहां पहले प्याज और टमाटर के दाम बढ़े थे तो वहीं अब दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। जी हां, इस वक्त आप देख सकते हैं हम एक मदर डेयरी बूथ पर मौजूद हैं और यहां जो हैं लोग दूध खरीदने सुबह सुबह पहुंचे हैं। यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दूध के जो प्राइस हैं वो बढ़े हैं इसकी मालूमात नहीं थी, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कल न्यूज के जरिए इस बात का पता चला। तो ऐसे ही कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम ये बताइए कि दूध के दाम बढ़े हैं के पहले से पता था इस बारे में? मैडम वे बी पी के द्वारा पता चला था, वैसे पता नहीं चला था। मैं 2 किलो दूध लेती थी, आज बच्चों के लिए 1 किलो ही दूध लेने आई हूँ। इसका मतलब बजट साफ तौर से बिगड़ा है आपका? जी, पहले प्याज फिर अब ये दूध, बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब पहले 2 किलो लेके जाती थी और अब सिर्फ 1 ही किलो लेके जाएंगी? हाँ, 1 किलो दूध लिया मैंने आपकी सिर्फ, आप पूछ सकते हो, मैं इनसे हमेशा 2 किलो लेती थी। दूध का जो दाम है वो लगातार बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आपका साफ तौर से बजट बिगड़े? बजट घर का एकदम बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको अपना कुछ कटौती करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो बजट है वो बिगड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ एक और ग्राहक मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, लोकल रहता हूँ सलाइट कॉलोनी में। तो एक्चुअली मेरी चाय की दुकान है तो मैं डेली 5 किलो दूध लेके जाता था, 4 किलो लेके जा रहा हूँ क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो अब मेरी चाय की दुकान पे भी थोड़ा सा ग्राहकों में भी फर्क आएगा। मतलब साफ तौर से ग्राहक में भी फर्क आएगा और जो आपकी कमाई है उसमें भी फर्क, काफी फर्क आएगा। जो भी हम डेली हमारा थोड़ा इनकम सही हो जाती थी, आज थोड़ा बढ़ने के कारण थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो आप देख सकते हैं जो लोग 2 लीटर दूध लेके जाते थे वो सिर्फ अब 1 ही लीटर दूध जो है वो लेके जा रहे हैं। साफ तौर से यहाँ लोगों का कहना है कि इससे हमारा बजट जो है वो बिगड़ेगा। जिन लोगों की चाय की दुकान थी उनको भी आपने कहते सुना कि जहां पहले 5 लीटर दूध लेके जाते थे अपनी दुकान के लिए तो वहीं अब सिर्फ 4 लीटर ही दूध लेके जाएंगे, जिसपे उनकी इनकम पे भी सीधे तौर से असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली। और देखिए ज्योति, दूध के ये बड़े हुए दाम लागू हो चुके हैं, यानी कि आज से ही लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। यानी कि आज जो लोग दूध खरीदने पहुंच रहे होंगे दुकानों पर या सुबह पहुंचे होंगे, उनको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ रेणु चौधरी मुंबई से मौजूद है, अजातिका सिंह मौजूद है गाजियाबाद से, उनसे भी बात करेंगे, मदीहा खान दिल्ली पे मौजूद है और साथ ही साथ मनीष शर्मा मौजूद है जयपुर से। मनीष का रुख करेंगे सबसे पहले। मनीष, दाम बढ़ गए हैं, मदर डेयरी ने 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, अमूल ने भी 2 रुपए के इजाफा कर दिया है। लोग जो है, हर घर में दूध बहुत एसेंशियल कमोडिटी है, हर घर में दूध पहुंचता है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं वहां पर? जयपुर से आप मौजूद हैं, वहां के लोगों का क्या कहना है? जी आदर्श, मैं बिल्कुल जयपुर में हूँ, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से दूध के दाम बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में पशुपालक और किसानों को उनके दूध का दाम मिल पा रहा है? मैं इस वक्त एक डेयरी में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये डेयरी है यहाँ पर, और तकरीबन 1 दर्जन गाय भैंसों के साथ गिरिराज प्रसाद शर्मा जो इस डेयरी के संचालक हैं वो इस डेयरी को चला भी रहे हैं। गिरिराज जी बताएं, दूध बहुत महंगा हो गया, आपको कुछ मिल रहा है दाम बढ़े? सर डेयरी में डालते हैं तो कुछ भी नहीं मिलते हैं, 40 रुपये 42 रुपये की रेट मिलती है डेयरी में तो, और वैसे डेयरी वाले वहाँ 55 रुपये 56 रुपये की रेट में बेच रहे हैं। यानी आपसे 40 रुपये लिए जाते हैं और 50 से ऊपर ज़्यादा में बेचा जाता है? 50 से ऊपर 56 रुपये की रेट है अभी इस टाइम जी, हर 3 महीने में रेट बढ़ा देते हैं और यहाँ पे कोई रेट नहीं बढ़ती है। डेयरी वाले को हम बोलते हैं तो डेयरी वाले बोलते हैं कि रेट इतनी ही है, आपके जच्चे तो देओ नहीं मत देओ। और जो आप गाय भैंसों को खिलाते पिलाते हैं उसके दामों की अगर हम बात करें, क्योंकि अमूल और मदर डेयरी ये कह रही है कि तमाम चीजें महंगी हो गई हैं, तो ये महंगाई क्या आपके लिए नहीं है? बिल्कुल महंगाई है सब, पहले बांट आ रहा था गेहूं, जैसे मान लो पहले 15 रुपये 16 रुपये किलो आ रहे थे, आज 24 रुपये 25 रुपये किलो आ रहे हैं। चने का भाव 50 रुपये किलो है, मेथी 55 रुपये किलो है, और पहले 30 रुपये किलो मेथी आ रही थी। हाँ, सब चीजें महंगी हो रही है। आदर्श, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग डेयरी फेडरेशन, यानी सरस के दूध में भी 2 से 3 रुपए किलो का इजाफा हो चुका है और अब मदर डेयरी और अमूल ने दाम बढ़ाए, तो लगता है कि पशुपालकों तक इसका पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता। जी जी बिल्कुल मनीष, आपके बाद मदीहा खान का हम रुख करेंगे जो कि मिंटो रोड पर मौजूद है, एक डेयरी के बाहर है, दूध डेयरी के बाहर। मदीहा, आप बताएं कि वहां पर लोग क्या कह रहे हैं कि सुबह सुबह जब उनको ये खबर मिली कि दूध के दामों में इजाफा, जब वो उन्हें ज्यादा पैसे चुकाने पड़े, तो कैसा वो फील कर रहे हैं इस महंगाई पर? दूध
जी ज्योति, इस वक्त हम मदर डेयरी के बाहर मौजूद हैं। सुबह सुबह यहाँ जो ग्राहक पहुँचे थे, कुछ को मालूमात नहीं थी कि प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं दूध के, लेकिन कुछ को मालूमात थी। तो हालांकि यहाँ जितने भी ग्राहक थे उनका यही कहना था साफ तौर से कि बढ़ती हुई महंगाई और अब दूध पे भी प्राइस बढ़ गए हैं, तो उनके बजट पे सीधे तौर से इसका असर हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ एक अम्मा भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी पूछते हैं। अम्मा ये बताइए, दूध का प्राइस बढ़ गया है, पता था पहले से आपको? हाँ बढ़ गया है बेटा, बढ़ ही रहा है अब तो। बजट महंगाई है, सब चीज बढ़ रही है। बढ़ते हुए दूध के प्राइस और बढ़ती हुई महंगाई का असर बजट पर कितना होगा आपके? बहुत ज्यादा होगा बेटा, क्या करेंगे गरीब आदमी। हाँ बहुत ज्यादा होगा, सब चीज महंगाई हो रही है, गरीब आदमी क्या करेगा। तो आप देख सकते हैं साफ तौर से यहाँ जो लोग हैं, ग्राहक हैं, उनका कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई और जिस तरह से प्राइस बढ़ रहे हैं चीज़ों के, उससे साफ तौर से उनके बजट पर भी असर होगा और इससे लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। जी ज्योति जी। जी मदिहा आप रहे हैं हमारे साथ और रेणु चौधरी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। रेणु एक बात बताइए, आप चाय की दुकान पर मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं लोग वहां पर? सुबह सुबह चाय पीने पहुंच रहे होंगे, हो सकता है चाय के दाम बढ़ गए हों, क्योंकि जो चाय वाला जब दूध खरीदने गया होगा तो उसने भी ज्यादा पैसे चुकाए होंगे। आदर्श बिल्कुल सही कहा आपने कि हम जब सुबह चाय की दुकान पर पहुंचे, उससे पहले हम अमूल की दुकान पर पहुंचे जहां पर ग्राहक पहुंचे हुए थे सुबह सुबह दूध खरीदने के लिए। 6 बजे के आसपास का समय था, तो निराशा थी लोगों में इस बात को लेकर और वो हमसे साफ तौर पर अपने घर का गणित समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर जो घर में 5 लोग हैं और घर में 2 लीटर दूध लाया जाता है तो कितना असर पड़ता है उनके जेब पर। इसी तरीके से हमने जो यहाँ पर आप चाय वाले हैं उनसे हमने भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें बताया कि वो एक दिन में लगभग 20 लीटर दूध का इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर वो अमूल ताज़ा दूध लाते हैं अपने ग्राहकों को पिलाने के लिए। तो उनसे हम बात करते हुए जानते हैं कि कितना फ़र्क अब पड़ेगा उनकी दुकान पर। हरी जी, आपने हमें बताया था कि आप 20 लीटर इस्तेमाल करते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ने वाला है अब जब दूध की कीमतें बढ़ी हैं? तो फ़र्क पड़ेगा कितना, 100-150-300 रुपया इतना फ़र्क पड़ जाएगा। इसके बाद में भाव बढ़ाएगा नहीं तो फिर चलेगा नहीं। तो अब जब दूध की कीमत बढ़ी है, आप खुद अमूल ताज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो चाय के दाम आप बढ़ाएंगे? बढ़ाएगा। कितने रुपए के अभी आप एक चाय बेचते हैं? अभी 6 रुपया कटेंगे तो 8 रुपया करेगा। स्पेशल चाय की बात करें तो स्पेशल अभी 15-16 रुपया है, तो 20 करेगा। ठीक, और ग्राहकों की कमी पड़ी है आज, क्योंकि हमने देखा है सुबह से ग्राहक थोड़े कम आए हैं दुकान पर। वो आज रविवार है, थोड़ा कम रहता। तो जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने बताया है कि दिन भर में लगभग 20 लीटर दूध इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए। जो नॉर्मल चाय है वो 6 रुपए की बेचते हैं, तो वो 8 रुपए में बेचेंगे। वहीं अगर हम स्पेशल चाय की बात करें तो जो 16 रुपए है अब उस दाम में इजाफा किया जाएगा। आदेश, हम आपको ये चीज़ भी बताना चाहेंगे कि जो अमूल दूध है मुंबई में, खास तौर पर अमूल गोल्ड और अमूल ताज़ा अधिक संख्या में खरीदी जाती है। और ख़ास तौर पर अगर जो आप अमूल दूध का टैगलाइन याद करेंगे तो वो कहता है कि अमूल दूध पीता है इंडिया। तो आप इस टैगलाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मार्केट है अमूल दूध का वो काफ़ी बड़ा है। इससे काफ़ी संख्या में जो ग्राहक जुड़े हुए हैं, प्राइस जो है 1-2 रुपए की है, लेकिन जो संतुलन है घर का वो बिगड़ेगा। और खास तौर पर बिल्कुल संतुलन कितना बिगड़ेगा किसी गृहिणी का, ये जानने के लिए अजातिका का हम रुख करेंगे। अजातिका एक गृहिणी के साथ इस वक्त मौजूद है उनके किचन में। अजातिका आप बताएं, उनसे बात करें कि आखिर दूध के दामों में इजाफा उनके घर के बजट को कितना बिगाड़ेगा। जी बिल्कुल ज्योति, बताएं कि इस वक्त मैं दिल्ली एनसीआर में पढ़ने वाले वसुंधरा गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ मीनाक्षी जी हैं जिनका ये घर है और गृहिणी हैं, हाउसमेकर हैं। देखेंगे आप इस वक्त दूध का जो पैकेट है वो काट रही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मीनाक्षी जी, दूध जो है जो आप काओ मिल्क इस वक्त मुझे नजर आ रहा है, 3 रुपए प्रति लीटर तक काओ मिल्क महंगा हो गया है, बजट पर इस पर आपका असर पड़ा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा असर पड़ा है, हर चीज महंगी हो रही है। जैसे काओ मिल्क लिया है मैंने, इसमें 3 रुपए की फिर से बढ़ोतरी हो गई है, जो कि मतलब आम आदमी का बजट बिल्कुल ही खराब कर दिया जाता है। और वैसे आप देखेंगे तो प्याज है, टमाटर है, इन सबके भी रेट बढ़ ही रहे हैं। प्याज जो है 100-120 रुपए किलो पहुंच चुका है, जो कि हमारे लिए काफी, जो आम आदमी है उसका काफी बजट खराब हो रहा है। पेट्रोल डीजल है, मैं 2-व्हीलर चलाती हूँ, उसमें जो है और दिक्कत हो रही है।
पेट्रोल डीजल वगैरह इतने रेट बढ़ रहे हैं, पता नहीं सरकार कर क्या रही है, वो समझ नहीं आ रहा है। जी, गृहिणी होते हुए आपको आपका एक बजट होता है, आपको किस तरीके से घर चलाना है, हर आइटम पर आपको सही दाम जो है वो लगाना होता है। जी, अब ऐसे में आपके पास लौट कर आएंगे और भी बातें करेंगे किस तरह से घर का बजट जो है वो अब बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि महंगाई जिस तरह से हम सुन रहे थे मीनाक्षी जी की बात, महंगाई हर चीज में चारों तरफ से घेर रही है और अब जो दूध थी जो बहुत एसेंशियल चीज है उसके भी दाम बढ़ गए।